असलम व्यूवर्स मैं हूँ आपका होस्ट स्नोमान और आप देख रहे हैं वाट मोबाइल रिव्यूज़ व्यूवर्स आज की इस नई वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं Redmi 90 का कैमरा टेस्ट लेकर आए हैं इसका गेमिंग टेस्ट लेकर आए हैं इसके अलावा किसी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आईडिया सके किसी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है रेडमी नाइन्टी की वो कैसी और आपको ये फ़ोन बाइक करना चाहिए या नहीं उसके लिए दोस्तों हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपका नोटिफिकेशन बार पर आपको मिल सके और दोस्तों हमारी लेटेस्ट मोबाइल प्राइसिस अपडेट्स अलर्ट्स रिव्यूज और न्यूज के लिए हमारी वट मोबाइल की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा उसके बिल्कुल में आपके साथ शेयर कर दूंगा तो दोस्तों मूव करते हैं रेडमी नाइन की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस टैग की दोस्तों जो प्राइस टैग है पाकिस्तानी मार्केट में वो है थर्टी थाउजेंड और ये फोन आया है पाकिस्तानी मार्केट में चार जी बी

की के साथ और दोस्तों इसके डिस्प्ले में आपको नॉच मिलती है और नॉच में आपको मिलता है इसका आठ मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा इसके ऊपर एट पी एस दिए गए और दोस्तों ये जो फोन है इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए टॉप और दो बॉटम दोनों पर आपको स्पीकर भी दिए गए कि आपको कैमिंग के दौरान जो है वो काफी अच्छा साउंड मिल जाएगा और दोस्तों ये जो फोन है इस फोन में आपको साइड मॉपिंग फिंगर स्कैनर दिया गया उसकी परफॉर्मेंस आगे चलकर टेस्ट आउट करेंगे फेस साइड की भी ऑप्शन दी गई है और टॉप पर दोस्तों इस फोन में आपको आई जो ब्लास्टर दोस्तों वो आपको दिए गए यानी कि आप रिमोटली अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं जो काफी अच्छा फीचर दिया इस फोन में आपको रेडमी नाइनटी में और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर्स की इसकी बैक पर आपको मिलता है इसका 48 के साथ इसके इसमें आपको भी दिया एटल टू मेगा पिक्सल दिया गया लेंस भी दिया गया और नीचे आप दोस्तों देख सकते हैं रेडमी की आपको ब्रांडिंग दी गई मेटीरियल पॉली कि प्लास्टिक यूज की गई लेकिन जो फिनिशिंग है दोस्तों मैट दी इसमें आपको फिंगरप्रिट्स का निशान है काफी कम पड़ते हैं और दोस्तों है इसके बॉटम में आपको लाउड स्पीकर माइक दिया गया

है और ये जो फोन है इसमें आपको एंड्रॉइड टेन की स्पॉट मिलती है इसके ऊपर आपको मी का जो यूजर इंटरफेस है वो ट्वेल्व मिल जाता है और इस फोन में आपको जेरोस्कोप सेंसर फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस आई की भी ऑप्शन आपको मिल जाती है फेस आई और फिंगरप्रिंट स्कैनर को हम जल्दी से टेस्ट आउट कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है साइड मॉडल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो काफी ज्यादा फास्ट दिया गया आपको इसके फिंगरप्रिंट पर जस्ट टैप करना है और ये जो है क्विकली अनलॉक हो जाएगा इसकी जो परफॉर्मेंस है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों आपको फेस आई की भी ऑप्शन दी गई है उसकी भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं आपको जस्ट टैप करना है पावर बटन और ये जो है क्विकली अनलॉक हो जाएगा और इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिए गए हैं और इस प्राइस टैग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है उसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के बेंचमार स्कोर की हमारे पास जो रेडमी नाइनटी के जो बेंचमार स्कोर आए हैं वो है वन लैख एटी आए हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं Redmi 90 के PUBG परफॉर्मेंस की दोस्तों इस फोन में मैंने PUBG को रन किया आप इस फ़ोन में PUBG को बैलेंस पर आप जो है मीडियम ग्राफिक सेटिंग पर खेल सकते हैं स्मूथ में आप इस फ़ोन में हाई फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं इस फ़ोन में PUBG को और इस फोन की जो PUBG की जो परफॉर्मेंस रही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको पबजी प्ले करते हुए आपको ऐसा इशू नज़र नहीं आएगा स्मूथ पर आप हाई फ्रेम रेट रन कर सकते हैं आपको फ्रेम ड्रॉट्स वगैरह नहीं मिलेंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए नहीं है लेकिन आप नॉर्मल गेमर है तो उसके लिए आप इस फोन को बाई कर सकते हैं आपको गेमिंग के साथ साथ दोस्तों रेडमी नाइनटी जो है वो काफ़ी अच्छा बैकअप कर देगा क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी छह वो एम एच की है आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा और बैकअप मिल जाएगा तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के कैमराज की तो दोस्तों इसके कैमराज में आपको जो मोड मिलता है वो है इसमें आपको प्रो मोड मिल जाता है नाइट मोड मिल जाता है वीडियो मोड मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड मोड मिल जाता है शॉर्ट वीडियो मॉडलो स्लो दो भी आपको इसके कैमराज में दिया गया है और दोस्तों तो 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 जो कैमराज के जो सैंपल है स्क्रीन पर मैं आपके साथ स्क्रीन पर वो भी शेयर कर दूंगा एक एक करके जो बैक कैमराज के जो सैंपल्स है वो आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट वाले विद आउट वाले दोनों में मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर दूंगा इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको जो वीडियो की जो परफॉर्मेंस दी गई है वो भी आप शेयर कर दे तो आप इस फोन में फ्रंट और बैक कैमरा से टेन ए तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इसका जो वीडियो सैंपल है टेन ए वाला वो भी आप देख सकते हैं आपको इसके वीडियो मोड के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है दोस्तों रेडमी नाइनटी में वो आपको नहीं मिलती आप इसके जो वीडियोज़ का सैंपल आप देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वीडियो की कैसी है इसके इसके अलावा दोस्तों फ्रंट कैमरा में आपको जो पोर्ट्रेट मोड दिया गया उसके भी मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा विदाउट वाले दोनों जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिससे आपको आइडिया जाएगा कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है कैसी इसमें आपको वाइड एंगल मोड भी दिया गया स्लो मो की भी ऑप्शन दी गई उसका भी सैंपल मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा इसका जो स्लो मो है वो कैसा परफॉर्म करता है आप स्क्रीन पर वो भी देख सकते हैं उसका भी सैंपल पर इसके अलावा जो बाकी जो सैपल है इसके कैमराज के नाइट मोड वाले वो भी स्क्रीन पर मैं आपके साथ एक एक करके कर दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाएगा किसकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल कैमराज की वो कैसी है आप स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा so दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दिस इज मी नोमान साइनिंग ऑफ और ये था हमारा आज 90 का रेडमी नाइनटी का डिटेल रिव्यू इस वीडियो में इतना दिस में साइनिंग ऑफ आफ, अल्लाह हाफिज